Hello everyone, my name is Rishi Malik. I hope you all are doing very well in your life and welcome back to News of Today channel. और आज मैं आप सभी से बात करना चाहूंगा ICICI Prudential सिग्नेचर स्पेशल प्लान के बारे में जो एक न्यू एज यूलिप पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई है ICICI Prudential की तरफ से और उसी के साथ आपको बताऊंगा कि कितने वेरिएंट प्लान्स हैं इस एक प्लान के अंदर अगर आप एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाह रहे हो और उसी के साथ क्या यूनिक फीचर and benefits रहेंगे as compared to comparison with any other company as like HDFC, Bajaj Allianz and your Edelweiss Token Max Life. तो please video को पूरा देखेगा और channel को जरूर subscribe करेगा for more updates related to mutual funds and your ULIP policies. तो अगर बात करता हूँ as according to ICICI Prudential signature special plan के आधार पर तो company आपको तीन option दे रही है investment को start करने के लिए. पहले option के साथ आपको मिल जाता है एडवांटेज प्लान जिसमें आपका मिनिमम प्रीमियम अमाउंट 2 लाख रुपए है एनुअलाइज्ली और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक जाएगा और उसी के साथ आप सभी को बताना चाहूंगा प्रीमियम एलोकेशन चार्ज भी जीरो रहेगा अगर आप पॉलिसी ड्यूरेशन कंप्लीट करते हो और उसी के साथ कंपनी आपको वेल्थ बूस्टर भी दे रही है पहले 5 साल पर वो 25% होगा फिर 7 साल पे 35% हो जाएगा और उसी के साथ अगर बात करता हूं 10 साल के मुताबिक तो वो 45% हो जाएगा आपके एनुअलाइज एक एनुअलाइज प्रीमियम का अमाउंट जो आपको दिया जाएगा. सेकंड ऑप्शन आ जाता है प्रीमियर. प्रीमियर के अंदर अगर आप एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर रहे हो तो उस केस में मिनिमम अमाउंट 5 लाख रुपए है और मैक्सिमम अमाउंट 10 लाख रुपए रहेगी. उसी के साथ कंपनी आपको यहां पर भी पूरा का पूरा जो आपका प्रीमियम एलोकेशन चार्ज है वापस कर देगी अगर आप पॉलिसी कंप्लीट करते हो और उसी के साथ वेल्थ बूस्टर भी देगी और आपको वैल्यू बेनिफिट्स भी देगी. वैल्यू बेनिफिट्स जो है आपको 2 साल के बाद 5% मिल जाएगा इस प्लान वेरिएंट ऑप्शन के अंदर. और अब अगर मैं बात करता हूं थर्ड ऑप्शन के मुताबिक तो वो रहेगा आपका एट प्रेजेंटली एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो 10 लाख या 10 लाख से अबव के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस वेरिएंट को ले सकते हैं जिसमें कंपनी आपको पूरा का पूरा प्रीमियम एलोकेशन चार्ज वापस कर रही है वेल्थ बूस्टर भी दे रही है और उसी के साथ आपको वैल्यू बेनिफिट भी दे रही है 2 साल के बाद 5% और उसी के साथ 6 साल के बाद भी आपको 5% दिया जाएगा आपके 1 साल के एनुअलाइज प्रीमियम का. अगर मैं बात करता हूं एज अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न कि कंपनी आपको एग्जैक्टली कितना रिटर्न दे रही है तो इस प्लान के अंदर भी आपके पास 6 से 8 फंड रहेंगे जैसे अदर प्लान्स के अंदर आपके पास रहते हैं. इसमें से 4 फंड इक्विटी मार्केट के हैं और 4 फंड गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज के हैं. अकॉर्डिंग टू दैट एवरेज कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ जो रिटर्न रहेगा वो 13 से 17% या 16% तक इजीली आप लेके चल सकते हैं अगर मार्केट फेवर में रहता है. अगर मैं बात करता हूं एज अकॉर्डिंग टू चार्जेस तो कंपनी आपसे यहां पर प्रीमियम एलोकेशन चार्ज जो है वो नहीं ले रही है आपको पूरा का पूरा वापस कर देगी अगर आप पूरा प्लान चलाते हो आने वाले 10 साल तक. अगर बात करता हूं एज अकॉर्डिंग टू पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज एप्लीकेबल रहेगा हर महीने का 40 से 60 रुपए आपसे लिया जाएगा एज अ पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज. मोर्टैलिटी चार्ज भी कंपनी आपसे लेगी एज अकॉर्डिंग टू योर जेंडर एंड योर एज एंड विद दैट कंपनी आपसे फंड मैनेजमेंट चार्ज सबसे मिनिमम है 0.85% और मैक्सिमम रहेगा 1.35% इक्विटी पार्टिसिपेशन में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो. उसी के साथ आपको बताना चाहूंगा 4 स्ट्रेटजीज कंपनी आपको दे रही है अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने के लिए. पहली रहेगी जिसमें आप खुद से अपनी मनी को सेल्फ मैनेज करेंगे अपने डिसीजन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के मुताबिक. सेकंड रहेगी जहां पर कंपनी आपको एक फंड मैनेजर देगी जो आपके मनी को एलोकेट रीएलोकेट और ट्रांसफर करेगा एज अकॉर्डिंग टू मार्केट फ्लक्चुएशन. जिस समय पर मार्केट बढ़ रही है उस समय पर इक्विटी पार्टिसिपेशन ज्यादा रहेगा आपको ज्यादा रिटर्न लाकर देने के लिए. जिस समय पर मार्केट घटेगी उस समय पर आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा. और उसी के साथ आपको बताना चाहूंगा दो जो रिमेनिंग स्ट्रेटजीज रहेंगी उसमें से 75% जो पैसा है वो इक्विटी पार्टिसिपेशन में जाएगा और 25% गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज के अंदर. एक स्ट्रेटजी ये रहेगी और लास्ट जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर कंपनी अपने बेंचमार्क एंड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपका पैसा इन्वेस्ट करेगी. अगर हर एनुअलाइज ईयर के रिटर्न के मुताबिक कंपनी अपने बेंचमार्क्स को
अपने आउट परफॉर्म कर रही है तो उस केस में डेफिनेटली आपका पैसा इक्विटी पार्टिसिपेशन में ज्यादा रहेगा। तो ये आपके पास चार स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं इस प्लान के अंदर अगर आप एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो। और उसी के साथ आप सभी को बताना चाहूंगा अंडर सेक्शन 80C 150,000 रुपए का टैक्स रिबेट है, अंडर सेक्शन 1010D पूरा मैच्योरिटी वैल्यू नॉन टैक्सेबल मिलेगा। और आप सभी को बताना चाहूंगा अनलिमिटेड फ्री स्विचेस रहेंगे, आप अपने पैसे को रीडायरेक्ट कर सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इक्विटी पार्टिसिपेशन से गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज में और गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज से इक्विटी पार्टिसिपेशन में भी। और उसी के साथ कंपनी आपको पार्शियल विड्रॉवल की भी फैसिलिटी दे रही है। लेट सपोज आपने 15 साल 20 साल या 25 साल तक का प्लान लिया हुआ है और 5 साल के बाद इमरजेंसी आती है और आपको पैसे की जरूरत है, तो उस केस में आपके फैमिली में से आप एज एन अ प्रपोजर कुछ पैसा पार्शियल विड्रॉवल ले सकते हो, मतलब 20-30% का अमाउंट आप ले सकते हो पार्शियल विड्रॉवल के तौर पर और रिमेनिंग अमाउंट अपना इन्वेस्टेड रख के उसके ऊपर रिटर्न्स ले सकते हो। और उसी के साथ आपको बताना चाहूंगा फंड्स के मुताबिक 2 फंड लार्ज कैप कैटेगरी के रहेंगे और 2 फंड मिडिल कैप कैटेगरी के रहेंगे और 4 फंड जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज के रहेंगे इस प्लान के अंदर जहां पर आप एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो। बेसिकली एक अच्छा प्लान है अगर आपका प्रीमियम अमाउंट आप ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उस केस में 2 लाख से स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर कंपेयर करूं तो यही सेम प्लान जो है HDFC दे रहा है आपको क्लिक टू वेल्थ में 1,000 रुपए प्रीमियम के मुताबिक भी। यहां पर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रीमियम इन्वेस्ट करना चाह रहे हो एट प्रेजेंटली, उसके मुताबिक आप अपना एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो इस प्लान के अंदर। और उसी के साथ आप सभी को बताना चाहूंगा अगर आप एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो उस केस में यहां पर कंपनी आपको अनलिमिटेड फ्री स्विचेस के साथ साथ लॉयल्टी एडिशंस भी देती है अगर आप लॉयल हो आने वाले समय में प्लान के अंदर, तो अच्छा प्लान रहेगा। बेसिकली थोड़े से जो चार्जेस हैं वो मुझे लगे क्योंकि अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसके मुताबिक HDFC में प्रीमियम एलोकेशन भी जीरो है पहले साल से ही और उसी के साथ आपका पॉलिसी एडमिन भी जीरो है एंड आपको पूरा का पूरा जो मोर्टैलिटी चार्ज है वो भी वापस किया जा रहा है। फंड मैनेजमेंट चार्ज 1.35% आपको HDFC में देना पड़ेगा। ये कंपैरिजन जो मैं आपको दे रहा हूँ एज अकॉर्डिंग टू चार्जेस दे रहा हूँ, अगर रिटर्न के मुताबिक देखता हूँ तो दोनों कंपनी आपको कंसिस्टेंट रिटर्न दे रही है। और यहाँ पर क्या है 3 वेरिएंट आपके पास रहेंगे और HDFC में भी 3 वेरिएंट रहेंगे। HDFC में आप ये कर सकते हो कि अपने बच्चे के नाम पर भी प्लान ले सकते हो और ICICI में ये है कि आपका जो वेरिएंट है वो आपके प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करता है 5 लाख से 10 लाख और अगर आप एक्सक्लूसिव में जाते हो तो वो 10 लाख से अबव रहेगा। अगर आपको वीडियो देखकर कुछ भी थोड़ी सी नॉलेज मिलती है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स एंड योर यूलिप पॉलिसीज। और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हर एक टर्म्स एंड कंडीशन को प्लीज पूरा पढ़ा करें जिससे आप भी आने वाले समय के अंदर पूरे सतर्क होकर एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें। और आप सभी को बताना चाहूंगा एक यूलिप पॉलिसी के अंदर 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। 5 साल से पहले चाहे कोई आपको कह रहा है सरेंडर करके पैसा निकाल लेना आपका पैसा बाहर आ जाएगा तो वो नहीं मिलेगा, 5 साल के बाद ही आपको पूरा पैसा वापस किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम, हैव अ ग्रेट डे दोस्तों।